हेलो एफोर्जन नंबर इलेवन इन शॉर्ट एफोरिजिन नंबर इलेवेन में हम लोग को डिजीज क्या होता है इसके बारे में बताया गया है और एक जो न्यू कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर हैनीमैन द्वारा दिया गया था कि डिजीज जो होता है ये वाइटल फोर्स का डरेंजमेंट के कारण होता है और ये कोई डायनामिक एनिमिकल इन्फ्लुएंस द्वारा होता है मतलब अगर वाइटल फोर्स जो है ये किसी डायनामिक एनिमिकल इन्फ्लुएंस द्वारा प्रभावित हो जाए और उसमें जो सेंसेशन एंड फंक्शन जो शरीर का वो नॉर्मली जो चल रहा था वो डिस्टर्ब हो जाए बाय दिस टाइम वी विल गेट सम सिम्टम्स एंड दिस विल रिप्रेजेंट द डिजीज और इसी जो कंडीशन जो है ऐसे जो कंडीशन है जो डरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स है इसी डरेंजमेंट कंडीशन को डिजीज कहते हैं और इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसके बाद इस में ये भी लिखा है कि जो डिजीज होता है इस डिजीज को हम लोग मॉर्बिड सिम्टम द्वारा हम

मॉर्बिड सिम्टम द्वारा हम इसको जानेंगे जो भी सेंसेशन फंक्शन जो भी एबनॉर्मल होता है तो जो भी डिस्टर्ब होता है तो ये कोई ना कोई ऑर्गन में फिजिशियन uh, के सामने या कोई भी ऑब्जर्वर के सामने uh, उनके सेंसेंस से इसको पकड़ सकते हैं तो यही जो है इसको मॉर्बिड सिम्टम्स कहते हैं इसी मॉर्बिड सिम्टम के द्वारा हम लोग डिजीज को जानेंगे सो अवेलेबल रोल ऑफ वाइटल फोर इन डिजीज थैंक यू